Hi guys, you know me. This is Paridhi on Sinespeaks speaks, and I have two very gorgeous ladies with me, Begum and Herjan, if I, I may, may say. We welcome you both in Sinh speaks. that's okay. <laughs> I understand. <laughs> uh, with them, ma'am, how do you feel about Begum Jan releasing finally? Oh. इट फील्स वंडरफुल नाउ इज द लीड अप टू द रिलीज वीव स्टार्ट प्रमोशन वे आर डूइंग दीज इंटरव्यूज एंड वे आर रेमसिंग अबाउट दोज ग्रोलिंग डेज ऑफ शूट इन झारखंड एंड यू नो जस्ट री लिविंग मेमरीज सो इट्स ग्रेट राजनी के बाद बेगम जान आ रही है प्रेशर होगा ऑब्वियसली दोनों पर होगा पूरे स्टारकास्ट पर होगा उसको आप कैसे देखते हैं बोथ ऑफ यू यू नो आई रियली थिंक दैट श्रीजीत ने हमसे कहा कि अफकोर्स uh, कहने को तो ये uh, रीमेक है या फिर ये अडेप्टेशन कहा जा सकता है uh, पर मैं एक बिल्कुल अलग फिल्म बना रहा हूँ इसीलिए मैं भूल चुका हूँ कि मैंने राज कहानी बनाई और हम सब इसे नए सिरे से शुरू करेंगे और दैट्स हाव अप्रोच सो मुझे नहीं लगता कि uh, हम में से किसी को कोई प्रेशर महसूस हो रहा है नॉट एट दिस पॉइंट फॉर श्योर या एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस वर नॉट इवन अलाउड टू वॉच द फिल्म तो हमारे लिए तो कंपैरिजन करना या उसको उसको यू नो उसके प्रेशर के अंदर आना तो बनता ही नहीं है बिकॉज़ वी वी डोंट हैव अ रेफरेंस पॉइंट एट ऑल सो इट्स ऑब्वियसली अ न्यू फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस एंड टू शूट इट तो अलग ही बात थी कंप्लीटली सो नो प्रेशर एट ऑल कैरेक्टर में घुसना उस टू डिपिक्ट ऑल दोज इमोशंस ऑल वंस इमोशनल जर्नी भी है मेंटल प्रोसेस भी है एंड देन फिजिकल आल्सो ट्रेलर में थोड़ा सा रेफरेंस है जहां आप लोगों ने फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रेन किया है एंड टू डिपिक्ट ऑल दीज इमोशंस आफ्टर द शूट टू कम आउट ऑफ इट वो पूरा जो प्रोसेस था वो कैसा था आई थिंक थकान तो होती है पर एक सेटिस्फैक्शन होता है और ख़ास कर इस सेट पे जहाँ हमने बत्तीस दिन में शूटिंग खत्म कर दी क्योंकि हर दिन हम लोग घंटों तक मतलब नॉर्मली बारह घंटे का शिफ्ट होता है हम लोग ज़्यादा काम करते थे क्योंकि हम लोग झारखंड में शूटिंग कर रहे थे जहाँ कहा गया था कि जुलाई से बारिश शुरू होती है पर जून जब हम पहुँचे झारखंड में बारिश शुरू हो चुकी थी तो हमारे सारे प्लान्स चौपट होने वाले थे ऐसा लग रहा था हमें तो इसीलिए जब भी हमें जब भी सूरज निकलता हम कड़ी मेहनत करते जब बारिश होती तब भी मेहनत करते क्योंकि कुछ सीन्स बारिश में शूट होने वाले थे और जब ओवरकास्ट होता जब बादल छाए होते तब भी मेहनत करते क्योंकि अलग सीन्स हमारी तो स्पीड बढ़ जाती थी ब्रिची आश्चे, ब्रिची आश्चे। <laughs> तो लगा लेता था कि बारिश होने वाली है <laughs> तो हमने बहुत कड़ी मेहनत की तो वो उसके बाद जब थकान होती है ना लगता है कि यार वी अर्न आर स्लीप तो वो फीलिंग होती थी या आई थिंक वो जो एक टीम स्पिरिट था ना आई डोंट थिंक एनीबडी एक होता है सुर सबका सुर एक था एवरीबडी वाज ऑन द सेम ट्रैक वी ऑल न्यू वी वो वर्किंग अगेंस्ट यू नो फैक्टर्स बट जो कहते हैं ना एक टीम बनना वो टीम यूल सी इट ऑन स्क्रीन दैट केमिस्ट्री विद्या आपने uh, कुछ बोल्ड सीन्ड डायलॉग्स आपने बोले हैं आपने गालियाँ भी दी है ऑन स्क्रीन कितनी कम्फर्टेबल थी आप <laughs> अगर मैं कहूँगी बहुत ज्यादा तो आपको लगेगा कि रोज़मर्रा की जिंदगी में मैं गाली देती हूँ मैं नहीं देती पर फिर भी बहुत कम्फर्टेबल महसूस किया क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो uh, तब लगा कि बेगम जान ऐसी ही तो बोलेगी और अगर वो ऐसी बोलेंगी तो यू नो आई हैव टू बी एक्चुअली पहली बार जब श्रीजीत के साथ मैंने जोर से सीन पढ़ा तो थोड़ी शायद मैं झिझक रही थी पर जैसे धीरे धीरे पढ़ने लगी मज़ा आने लगा मुझे क्योंकि बेगम जान जैसा पावरफुल कैरेक्टर मैंने ना देखा है ना खुद प्ले किया है अब तक तो मुझे मज़ा आने लगा उसमें गाली तो बहुत मतलब उसमें गुस्सा बहुत है तो और कैसे व्यर्थ कर सकती है अपना गुस्सा तो कभी मारती है कभी थप्पड़ लगा देती है इसको नहीं लगाया कभी <laughs> <laughs> ये बेगम की जान जैसे आपने कहा पर दूसरों को बहुत थप्पड़ पड़े हैं मुझसे गालियाँ बकी है सब कुछ किया है इस फिल्म में तो कभी शूट के बाद ऐसा कभी हुआ है कि कैरेक्टर में इतना आ गए थे आप कि शूटिंग ख़त्म हो गई लेकिन कभी ऐसे गुस्से वाला कुछ इशू हुआ और आपके मुंह से गाली निकल गई नहीं ऐसा नहीं हुआ आ, लाइट बंद हो गई तो सेट से बाहर निकलते ही आई थिंक हम लोग बैंस की तरफ भागते थे अपने कि फटाफट मेकअप निकालो और घर जाओ घर जाओ मतलब होटल जो हमारा था डेढ़ घंटे की दूरी पर था लोकेशन से तो हम लोग गाड़ी में बैठ के सो जाते थे होटल पहुंच के खाना खा के नहा के सो जाते थे उठ के वापस सेट चले जाते थे तो सिर्फ चार या पांच घंटे की नींद मिलती थी हाँ। मैक्सिम क्योंकि चार बजे उठ के हमें फिर निकलना पड़ता था अगेन डेढ़ घंटे का ट्रैवल तो बेसिकली नींद आप गाड़ी में ऐसे <laughs> जबकी मार रहे पहुंच गए अच्छा ओके okay. क्योंकि सोने भी नहीं मिलता था क्योंकि जो रास्ता था वो इतना ज्यादा पथरीला था गाड़ी ऐसे 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 ड्राइवर भी सोता ड्राइवर भी पथरीला होने की वजह से वो कभी कभी जल जाता बेस्ट पार्ट सबको इसीलिए जल्दी भागना होता था अपने

four or four, five hours of sleep because it was a very grueling shoot very how did you guys manage to get out of the characters post the shoot i think i slept a lot <laughs> 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 i slept a lot i spent a lot of time with uh, siddharth and my family or uh, of course kamkarathi because i was already dubbing for kahani too and there were some other things happening simultaneously uh, but Basically, I think eating and sleeping on time, there's nothing better yeah. to do exercising, um, yeah, and just pampering yourself, yeah. going to the spa, often <laughs> <laughs> for massages, because this was very physically, mentally, emotionally demanding.: yeah. I went to Bali. I took uh -huh. a holiday <laughs> with Barney. <Yeah>. <laughs> <laughs> really? Yeah. I just thought I was rhyming. <laughs> no, with Bali, it's true. <laughs> okay. Yeah, I did. I needed a holiday. You mm -hmm. all deserved one. So, yeah. yeah. Okay. Uh, my last question to both of you. What do you Warrior. take? Asha, <laughs> don't make it the last. I know. <laughs> I know. <laughs> this is the first time <laughs> I've heard that <laughs> name. <laughs> it apparently means circumference. Do you agree, Richa? Mm -hmm. Huh? <laughs> huh? I, do you want to say more? <laughs> I don't mind okay I, I maybe say this on camera the fact that at the trailer launch we saw yes. Paridhi crying and Gohar was the first one to spot it. She called out to all of us and she said, "Look at it, this girl's crying. She was watching the trailer and crying she was moved. Yes. so we love her and we want you to ask us two more questions. Yes. <laughs> thank you so much I, my, <laughs> <laughs> I, I can manage yeah. that my next question is what do you take back from this movie both of you wow I I I take back the spirit of Begum Jaan yeah the fact that she's so fearless she's so shamelessly unapologetically unabashedly powerful I want to be like her. Oh my God, that's, that's huge. Mm -hmm. <laughs> yeah. Go ahead. I take back an experience of a lifetime. I have always believed that uh, dreams do come true. They can come true. You just have to believe. You just have to work really hard. And for me, this was a dream. She was a dream. This this film happening to me was a dream. <laughs> and I take back that belief and built that up so much more so that I can achieve all that's there in the horizon. Amin. Wow. Amin. <laughs> uh, my last question, unfortunately. How is it working with the director? And what do you expect from this movie? <laughs> <laughs> no <laughs> <Cut it. laughs> No, no, it was fabulous. I just I was just pulling your leg. Uh, you know, I've worked on Many films that have been made on tight budgets and therefore have required us to work very, very hard. And we always thought we were well prepared. But if you want to understand the meaning of preparation, you must work with Shridhar Mukherjee. I don't think I've met a director who's better prepared or who has his team better prepared. Oh. Yeah, amazing. Yeah, he's he's a genius. He's just all there. I don't think I've ever known a mind that can.

So that's, that's how he was. He was just, he was just incredible. incredible. Wow! I feel lovely talking with speaking with you both, you. and it was it was absolute pleasure. Trust me on this, to interview both of you. All the best for Can I the say movie. So again? <laughs> <laughs> we don't mind. I think I will. <laughs> but come on, let's give a yeah, shout please. out to everyone. Go for it. ओके okay, सो so, uh, ये है मेरी बेगम जान जो आपकी हो सकती हैं अगर आप जाएंगे चौदह अप्रैल को जो हमारी फिल्म फिल्म रिलीज हो रही है प्लीज गो फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन उसके बाद महीने भर आपको जितनी बार देखनी है प्लीज देखिएगा बेगम जान महीना हमें गन्ना आता है और आपको भी गन्ना आता है <laughs> <laughs> और अगर नहीं जाएंगे तो, तो आपके हाथ पैर और जिस्म का वो क्या कहते हैं पार्टीशन कर देंगे अच्छा yeah! अच्छा अच्छा नहीं करेंगे नहीं करेंगे पार्टीशन नहीं करेंगे थिएटर पहुंच जाइए यार थैंक यू सो मच यू नीड टू सी बेगम जान प्लीज बाय